हाँ जी, गर्मी आ गई है और हम लेकर आए हैं कुल्फी की रेसिपी। तो लगाते हैं चटकारा, आज हम मैंगो स्टफ कुल्फी का। इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 कप दूध ले लिया है और फुल फैट मिल्क है, तो 2 कप दूध लिया है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग चैनल देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, फ्री है यार। चलिए देखिए, दूध चढ़ाया था हाई फ्लेम पर और इसमें बॉईल आ गया है। बॉईल आने के बाद ही हम इसके अंदर शक्कर डालने वाले हैं। मैंने इसके अंदर 1/2 कप शक्कर लिया है और जो एग्जैक्टली 10 टेबल स्पून है। अगर आप इसको शुगर फ्री वर्जन बनाना चाहें तो आप इसमें शुगर फ्री डाल सकते हैं। शुगर फ्री के अंदर जो छोटा वाला स्पून आता है वो 1 स्पून शुगर के बराबर होता है, तो आप उसको शुगर फ्री से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड शुगर फ्री रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसमें शक्कर डाल दी है और इसको बॉईल आने तक हम चलाएंगे ताकि शक्कर हमारी मेल्ट हो जाए, एंड देन हम इसको रिड्यूस कर लेंगे हाफ। मैंने 2 कप दूध चढ़ाया था, इसको रिड्यूस करके हम 1 कप कर लेंगे। और जब तक ये रिड्यूस हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि जो कुल्फी है ना, ये हमारा अपनी रेसिपी है, इंडियन रेसिपी है। 16th century में इसको बनाया गया था और वही देसी हमारी मटका कुल्फी, जो वो सांचे आते हैं एल्यूमिनियम वाले, वही उसी के अंदर दूध को गाढ़ा करके डाल के जमा के बनाया जाता था। अब तो खैर बहुत सारे वेरिएशन आ चुके हैं और एक वेरिएशन मैं भी आपके साथ लाई हूँ। और आप अपने घर पे किस किस तरीके से कुल्फी बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दूध को गाढ़ा होने देते हैं और इसके अंदर मैं एक और ट्विस्ट लेकर आई हूँ मेरा, ये है मिल्क पाउडर। और मैंने इसको 1/4 कप लिया है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सो इसमें डायरेक्टली नहीं मिलाएंगे, डायरेक्टली मिलाया तो गुठली हो जाएंगे। तो मैं इसको अलग से पहले घोल लेती हूँ दूध से एंड देन मैं इसमें मिक्स करूँगी, डायरेक्ट मत मिलाइएगा। चले तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं और दूध को रिड्यूस होने देते हैं। बस कुल्फी बनाना बहुत ही आसान है, आप जो भी फ्लेवर इसमें डालना चाहें आप वो फ्लेवर भी डाल सकते हैं। अगर आप नॉर्मल कुल्फी जमाते हैं तो, फ्रूट कुल्फी जमाना चाहते हैं तो कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं। आज हम स्टफ करके बनाएंगे आम के अंदर, इसलिए मैं इसमें इलायची नहीं डाल रही हूँ, अदरवाइज आप इसके अंदर इलायची भी डाल सकते हैं। और जो फ्लेवर आपको पसंद है आप वो फ्लेवर डाल के इसको बना सकते हैं। तो बस इसका पेस्ट बना लें। और अभी मैंने गैस को सिम कर दिया है, इसको बॉईल होने दे रहे हैं और ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, इसे और थोड़ा पतला कर लेती हूँ मैं। चलिए इसको एकदम पतला कर लेते हैं, सारे लम्स ख़त्म कर लेते हैं चलाकर, और फिर इसके अंदर हम इसको डालेंगे। चलिए मैं इसको इसके अंदर डाल देती हूँ और इतना सुपर टेस्ट रहेगा। आप इसके बदले कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं इसके अंदर, वो भी सेम टेस्ट इंक्रीज करेगा, बहुत ही यमी आइसक्रीम बनने वाली है आपकी। हमारी जो कुल्फी है ये ट्रेडिशनल तरीका ही है बनाने का, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है कि हम इसको स्टफ़ करने वाले हैं। चले इसको बॉईल करते हैं और जैसे जैसे ये बॉईल होगा वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। तो अभी काफ़ी गाढ़ा हो गया है, ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड होके हाफ हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यार, बहुत ही अच्छी। बनाइएगा आप भी इसको, बहुत सिंपल रेसिपी है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट रेसिपी और भी शानदार है, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और चलिए मैं भी गैस बंद कर देती हूँ क्योंकि ये हो चुका है गाढ़ा एंड दैट्स इट। चलिए इसको कर देते हैं बंद और अब आप निकालिए आपके आम, क्योंकि अब हम बनाएंगे आम के अंदर स्टफ करके। चले ये बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने देते हैं, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। दूसरे बाउल में डालना है तो उसमें डाल लीजिए, तो इसको इसी में छोड़ दीजिए।
ये मैंने लिए है आम, और ये केसर आम है मैंने जो लिया है। आप कोई भी आम ले सकते हैं, जो आम आपको पसंद है, जो अवेलेबल है वो। तो चलिए इसके अंदर सबसे पहले मैं इसके ऊपर का कैप निकाल देती हूँ, और फेंकना नहीं है, इसको संभाल के रखेंगे। और ये कट कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी आपको इसकी गुठली निकालने में। और मैं आपको एक बहुत सिंपल और इजी तरीका बताती हूँ जो मैंने ट्राई किया इसको। तो ये हमने इसकी कैप रिमूव कर दी है, और अब इसकी ये जो गुठली है, हमें इसकी गुठली अंदर से निकालनी है, तभी हम उसमें स्टफ़ कर पाएंगे। उसके लिए मैंने ये पतला पत्ती वाला चाकू लिया है। ये जो गुठली, ये देखिए, आपको दिख रही है, इसको के आसपास हम ये पत्ती वाला जो चाकू है उसको घुसा के सारा रिमूव कर देंगे, ढीला कर देंगे गुठली को। और फिर ये जो घर में पड़क्कड़ होती है ना, संडासी पकड़, बस इसको पकड़ के ट्विस्ट करिए, एंड दैट्स इट। देखिए थोड़ा मेसी ज़रूर है, बट देखिए आप, ट्विस्ट करते ही गुठली अपनी जगह छोड़ दिया है, और हमारा आम स्टफ़ करने के लिए बिल्कुल तैयार। तो अब मैं इसको एक ग्लास पे रख देती हूँ ताकि ये सीधा रहे, और ऐसे ही मैं इसको फ्रीज करने वाली हूँ। चले तो इसको हम भर लेते हैं, फटाफट भरते हैं। बट एक चीज़ और बताती हूँ ध्यान रखने वाली, वो है इसको ऊपर तक फिल मत करिएगा। अगर पूरा ऊपर तक भर गया तो आप जब इसको कुल्फ़ी को जमाएंगे तो आपका जो है दूध बाहर आ जाएगा। चलिए ये मैंने 12 आवर्स जमाया है। अगर आम बहुत मीठा है तो थोड़ा और जमाना पड़ेगा, मैंगो एकदम फ्रोज़न हो जाना चाहिए आपका। देखिए बाहर दिख रहा है आपको, एकदम फ्रीज हो गया है। चलिए तो मैं अब आपको इसको काट के दिखाती हूँ। फटाफट मैंगो पील करते हैं, एंड अब तो मुझसे वेट ही नहीं हो रहा है। यकीन मानिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए ज़रूर कुछ एक नया ट्विस्ट इन द आइसक्रीम, हमारी कुल्फ़ी। इस कैप को रिमूव कर देते हैं, ये मैं, और बहुत इजीली कट होगा, कुछ भी गुरुला पकड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। फ्रोज़न फ्रूट ज़रूर है, ये देखिए आप, हमारी कुल्फ़ी अंदर है, मैंगो एकदम फ्रोज़न है, एंड इट्स सुपर यमी, जस्ट लुक एट दिस। बहुत ही इजीली कट हो जाएगा, आप जिस हिसाब से काटना चाहते हैं, मोटा पतला कैसे भी काट सकते हैं, इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। आम भी आप अपनी पसंद का ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर कि कौन सा आम आपने लिया है, एंड इट्स अ सुपर्ब ईजी रेसिपी। तो बस ये देखिए लुक, कितना अच्छा डिलीशियस लुक है। और इसकी जो कुल्फ़ी है, जो आम के अंदर अपने स्टफ़ किए, वो भी सुपर्ब यमी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शक्कर के साथ बनाना चाहते हैं शक्कर के साथ बनाइए, शुगर फ्री बनाना चाहते हैं शुगर फ्री बनाइए, और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइए, गर्मियाँ आ चुकी हैं। एंड दैट्स इट, लुक एट दिस, दिस इज़ वॉट इज़ मैंगो स्टफ कुल्फी। गार्निश कर दीजिए एंड एंजॉय।